हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसका आज हम लोग करेंगे पार्ट फोर। पार्ट थ्री तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे बैंक के पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पी कैन कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, 10 लीटर ऑफ दिस मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वॉटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। तो करा क्या जा रहा है कि टोटल अमाउंट है 40 लीटर, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया। मिल्क है टोटल 40 लीटर, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, और ये प्रोसेस किया कितनी बार है, ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, -1/4। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 2 times हो रहा है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो जब इस तरीके से, ये एक तरीके से रेट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए इनिशियल, यहां लिख दीजिए फाइनल। तो 4 और 4, 4 में 1 माइनस करा तो 3 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 9, मतलब ये हमारी फाइनल मिल्क है और ये हमारा इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी है। ये यूनिट्स में है, अभी लीटर में हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है निकालने का, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो 40 लीटर है ना, पी कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये जो 16 है हमारा, ये हमारा इनिशियल मिल्क था, मतलब ये जो टोटल मिल्क, इनिशियल मिल्क हमारा था वो कितना था, 16 लीटर। मतलब कि 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/16, 8 से काट दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 5/2 लीटर। तो अब हमें पता चल गया कि एक यूनिट की वैल्यू 5/2 लीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द मिक्सचर। अब ये जो फाइनल मिल्क है, यही आपका रिमेनिंग मिल्क है, तो इसका क्या पूछा गया है, अमाउंट लीटर्स में। तो रिमेनिंग नाइन, और नाइन में 1 लीटर की, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5/2 लीटर से। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 9 5 जा 45, 45/2, जब इसको सॉल्व करोगे तो 22.5 लीटर आंसर मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें ये प्रोसेस 2 बार रिपीट हो रहा था, कभी 3 बार होगा रिपीट, कभी 4 बार रिपीट होगा, तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फ्रॉम 50 लीटर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन 5 लीटर ऑफ केमिकल सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड आफ्टर इट 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। तो बोला क्या जा रहा है कि 50 लीटर में से 5 लीटर निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व करिए क्या आ जाएगा, -1/10। और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, 3 times। फाइंड द अमाउंट ऑफ केमिकल सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द 3rd time। तो जब 3rd time इस प्रोसेस को हम करेंगे तो जो हमारी फाइनल क्वांटिटी केमिकल सॉल्यूशन की होगी वही वैल्यू पूछी है, ठीक है, लीटर में। तो ये प्रोसेस 3 बार हुआ है, तो मतलब 10 10 10, 1 माइनस करिए, 10 में 9 9 9, ये हो गया 1000, और ये हो गया 9 9 जा 81 इंटू 9,
7 to 9। ठीक है, अब ये हमारा है फाइनल सॉल्यूशन, ये हमारा है इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनिशियल सॉल्यूशन था कितना, 50 लीटर, मतलब इस 1000 यूनिट की वैल्यू है 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 50 upon 1000, 0 से 0 काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ गया, 1 upon 20 लीटर आ गया। अब पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ केमिकल सॉल्यूशन, तो फाइनल सॉल्यूशन 7 to 9 है, लेफ्ट आफ्टर द थर्ड टाइम 7 to 9 हुआ, तो अब थर्ड टाइम प्रोसेस करने के बाद इतना हुआ फाइनल सॉल्यूशन, तो यही पूछा है, तो अमाउंट ऑफ केमिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे लिखिए अमाउंट ऑफ केमिकल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 7 to 9। अब 7 to 9 तो यूनिट में, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 upon 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो एक यहां पे आएगा पॉइंट, फिर इस 0 से एक पॉइंट आ जाएगा, तो 36.45 लीटर क्या आ जाएगा आंसर, 36.45 लीटर। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ जार वॉज फुल विद मिल्क, अ पर्सन यूज टू ड्रॉ आउट 25% ऑफ मिल्क फ्रॉम द जार एंड रिप्लेस्ड इट विद वॉटर। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि ड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, तो ऊपर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ही हैज रिपीटेड द प्रोसेस 5 times, तो ये जो माइनस 1/4 है ये 5 times रिपीट हो रहा है, मतलब 5 times। अब 4 में 1 माइनस करिए, 3 3 3 3 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 64, और 64 4 जा 256, और 256 into 4 1024। ठीक है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिए, 81 3 जा ये आ गया 243। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है, फाइनल, ये होती है इनिशियल। ठीक है, जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में जिसके बारे में भी बोला गया है उसकी ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, अ जार वॉज फुल विद मिल्क, अ पर्सन यूज टू ड्रॉ आउट 25% ऑफ मिल्क, जितना भी था उसने 25% मिल्क निकाल दिया और उसकी जगह पे क्या भर दिया, पानी भर दिया, और ये प्रोसेस उसने 5 बार रिपीट किया, दस देयर वॉज ओनली 486 ग्राम ऑफ मिल्क लिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो 486 ग्राम है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि बोला गया है इतने ग्राम मिल्क बच रहा है, और यहां पे भी फाइनल अमाउंट कितना बच रहा है, 243। तो मतलब 243 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 486 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 243 into 2 होता है 486, तो मतलब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2 ग्राम, मिल गया। अब पूछा क्या है, द इनिशियल ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इन द जार, तो इनिशियल मिल्क कितना था, 1024, कितना था, 1024 किसमें है, अभी तो ये यूनिट में है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2028 आ गया, नहीं एक मिनट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2048 आ गया। अब ये आया है ग्राम में, अगर किलोग्राम में आंसर आ रहा हो तो 2.048 केजी
इसका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फ्रॉम कंटेनर ऑफ मिल्क अ थीफ हैज स्टोलन 10 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क के कंटेनर से उसने 10 लीटर मिल्क चुरा लिया। रिप्लेस्ड इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जितना मिल्क निकला उतना उसने क्या किया, वाटर मिला दिया। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस इन 3 अटेम्प्ट, मतलब उसने 3 बार इस प्रोसेस को दोहराया। ठीक है, तो जब 3 बार किसी प्रोसेस को दोहराया जाता है तो कुछ इसी तरीके से होता है। दोहराने के बाद जो रेशियो हमको मिला वो हमें मिला 343:169 का, जिसमें मिल्क कितना है, ये है मिल्क और ये है वाटर। ठीक है, तो एक्चुअली उसने मिल्क की जगह वाटर मिलाया, तो जब हमें इनिशियल क्वांटिटी चाहिए तो जितना उसने मिल्क निकाला उतना वाटर ऐड कर दिया, तो मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी होगी। मतलब 343:169 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 512, तो ये आपका इनिशियल हो जाएगा। और मिल्क है 343, ये है आपका फाइनल। ठीक है, अब बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है कि अब देखिए 343 आपका फाइनल है मिल्क का और ये इनिशियल क्वांटिटी है 512 की। ठीक है, तो ये जो 10 लीटर मिल्क उसने चुराया है वो जो है, फ्रॉम कंटेनर ऑफ मिल्क अ थीफ हैज स्टोलन 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड रिप्लेस्ड इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसने किया क्या, एक्चुअली इसने किया कि ये जो वन यूनिट की वैल्यू 10 लीटर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब ये 10 लीटर गिवन है वन यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये वन यूनिट की वैल्यू 10 लीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये हम जानेंगे कैसे, ये हम इस तरीके से जानेंगे कि ये जो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है हमारा 343, मतलब यहाँ पे 7 7 7 होगा। 512 होता है किसका क्यूब, 8 का क्यूब, मतलब 8 8 8। तो जो हमारा रेट था एक्चुअली वो क्या था, 1/8 का, 1/8 का रहा होगा, तभी यहाँ पे 8 8 8 आ जाएगा और 1 माइनस होगा तो 7 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो हमने अब ये जो इससे इस चीज से हमको पता चल रहा है कि फ्रॉम द कंटेनर, अब ये जो आपकी 8 है ये क्या है, एक्चुअली इनिशियल क्वांटिटी है और ये जो 1 है ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है। तो अब इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 लीटर गिवन है और पूछा क्या है, पूछा है इसकी 8 लीटर की वैल्यू। तो इस ये जो 8 है एक्चुअली ये यूनिट में है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 10 80 लीटर। तो जो आपका फाइनल एक्चुअली मिल्क होगा वो कितना होगा, 80 लीटर। देखिए क्वेश्चन में केवल इतना गिवन था कि एक चोर था, थीफ था, चोर था एक, कि उसने 10 लीटर मिल्क जो है चुरा के और उसमें 10 लीटर उतनी ही क्वांटिटी में पानी मिला दिया, ये बताया गया। और ये बताया गया कि इस प्रोसेस को 3 बार किया गया, ये बताया गया क्वेश्चन में। और उसके बाद 3 बार करने के बाद फाइनल जो रेशियो मिला मिल्क और वाटर का वो गिवन था 343:169।
तो हम यहाँ पे मिल्क की बात कर रहे हैं, तो मिल्क की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 343 क्या था? मिल्क। तो हम केवल मिल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में था क्या? केवल टोटल मिल्क था, ठीक है। तो मिल्क निकाला 10 लीटर, पानी डाल दिया, फिर मिल्क निकाला फिर पानी डाल दिया, फिर मिल्क निकाला फिर पानी डाल दिया, ये उसने 3 बार प्रोसेस किया। तो लास्ट में रेशियो मिल्क और वाटर का मिला 343:169। लेकिन हम यहाँ केवल मिल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो फाइनल मिल्क हमारा कितना था? 343। और इनिशियल क्वांटिटी, चाहे उसने 10 लीटर निकाला मिल्क, लेकिन उसमें 10 लीटर ऐड कर दिया वाटर, तो फाइनल क्वांटिटी जो होगी वो इन दोनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम हो गया 512। अब हमें पता है कि ये प्रोसेस 3 बार हुआ। यहाँ हमने एक्स लिख दिया था, यहाँ हमने वाई लिख दिया था 3 बार। अब ये प्रोसेस 3 बार हुआ, तो मतलब 512 8 का क्यूब होता है, तो मतलब 8 8 8 लिखेंगे तो 512 मिलेगा। यहाँ पे 7 7 7 लिखेंगे तो 343 मिलेगा। तो इस 8 और 7 से हमने अंदाजा लगाया कि क्या होगा हमारा फ्रैक्शन में रेट, क्या था हमारा? 1/8 का, ठीक है। तो 1 हमारा क्या है, 8 क्या है हमारा? 8 है हमारा टोटल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, और 1 क्या है? 1 जो है हमने जितना निकाला। अब हमने 1 जितना निकाला, तो हमने एक बार में कितना निकाला? 10 लीटर निकाला। तो मतलब इस वन यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 लीटर, और क्वेश्चन में पूछी गई है टोटल इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी? 8 थी। तो 8 में हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें लीटर में निकालना है, तो हमें 80 लीटर मिल गया। तो क्वेश्चन में एक्चुअली जो रेशियो दिया था उसका मतलब क्या था? उस रेशियो का मतलब केवल ये जानना था, इस फ्रैक्शन, इस चीज को जानना था। इस चीज को जानने के लिए क्वेश्चन में ये रेशियो गिवन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने पीछे से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, हमेशा ये हमें पहले पता होता है, लास्ट में इससे निकालते हैं, लेकिन अब इसमें क्या था? लास्ट की चीज पता थी, और फिर हम ऊपर गए और इस चीज को निकाला, और इससे ही हमको आंसर मिला, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।